गाजियाबाद को हरा भरा बनाए जाने के उद्देश्य से गाजियाबाद पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण महाकुंभ कार्यक्रम के तहत विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बटालियन के आईजी आलोक सिंह ने बताया कि लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसीलिए प्रदूषण के खतरे से बचने के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। फॉसल फ्यूल से बढ़ने से जो क्षति हुई है और भी है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जल स्रोत जो है वो डावाडोल हो रहे हैं, हमारा जो मौसम का चक्र है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। इसके लिए हम सभी को ये प्रयास करना है कि ग्रीन कवर बढ़े, पृथ्वी पे सभी जगह ग्रीन कवर बढ़े। करौली में चोरों ने SBI बैंक में सेंध लगाकर लाखों रुपये के सोने को पार कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रात सफाई करने 8 बजे करीबन यहाँ पे 7:30-8 बजे तो हमारा अकाउंटेंट साहब चाबी लेकर आया, इसने जो गेट खोला, मेन गेट बिल्कुल बंद थे, जो खोला बाहर दर गया तो सेफ खुली मिली, फिर तुरंत सूचना दी हमको, फिर पूरा स्टाफ 8 बजे देखा तो गोल्ड का गोल्ड कितना गए ये अंदाजा नहीं, गोल्ड ले गए, कुछ रुपये भी लेके गए, रुपये लेके गए, कुछ सेफ नहीं थोड़ी, सिर्फ गोल्ड लेके गए। कितना गया और कुछ छोड़ भी गया, आधा पड़ता छोड़ भी गया। पुलिस को सूचना कब दी गई? पुलिस को तो उसी टाइम दे दी, सौ नंबर डायल किया था, उसी टाइम दे दी और फिर पुलिस सौ नंबर वालों भेजी। अभी आप CCTV फुटेज में देखें तो कुछ सामने आया है, क्या निकल के आ रहा है? अभी तो कोई पता नहीं, अब देखो अभी तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आ रहे हैं ना, जब मालूम पड़ा एक्चुअली कितना गया क्या नहीं। नहीं, जिस फुटेज में अपराधी एक ही था या कोई एक एक ही सामने आया, इसने ग्लव्स वगैरह पहना के ऊपर वो लगा रखी थी, बस एक मामला दर्ज करा दिया। इस मामला दर्ज करा दिया पुलिस, मामला दर्ज अप्रूव आई है हमारी AGM पे सब करवा। ये जैसे आप देखा कितने बजे घटना है, रात्रि के लगभग ये 2:15 बजे करीब, और यहाँ से वापसी कब गया वो? 3 बजे। राजस्थान के बाड़मेर जिले में जिला मुख्यालय और नगर पालिका के होते हुए मेन बाजार की सड़क पर कचरा, प्लास्टिक और गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सफाई कर्मचारी नहीं है, सफाई करने के लिए लगभग 150 कर्मचारी हैं, लेकिन सफाई कोई नहीं करता। मुख्य सड़क होने से जिला प्रशासन के हर अधिकारी यहाँ से आते जाते हैं, पर कूड़े के इस ढेर को हर कोई नज़रअंदाज करता है। यूपी के रामपुर की बात करते हैं, जहां 2010 में बाढ़ के कारण कई गांवों का आसपास से जोड़ने वाला रास्ता कट गया था, जो आज तक नहीं बन पाया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में कई बार शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। जी क्या नाम है? किनका? आपका? होरलाल। अच्छा, क्या परेशानी हो पा रही है यहाँ पर? अंधा आए। अच्छा, ये बालक सर पर बड़े गिरते हैं, क्या करें? इसको कोई सुनवाई नहीं है। कौन सा गाँव है ये? मजरा है, चंडका। किस चीज़ का? मदारपुर को मजरा, मदारपुर का मजरा, चंड का। अच्छा, तहसील कौन सी पड़ती है आपकी? तहसील सावातपुर है। तो इसमें आपने प्रधान से कहा? प्रधान से किया, प्रधान ने सुनवाई नहीं करी। अच्छा, कुछ लोगों ने शिकायत की है, अधिकारी लोगों को? अधिकारी लोगों से कोई शिकायत करी, पर कोई बात समझ में नहीं आई। ये वीडियो बुलाए जाए तो मुश्किल था।